मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। बेटा, हमारा 6th चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7th चैप्टर, ठीक है। चैप्टर का नेम है डेसिमल्स। डेसिमल्स क्या होते हैं बेटा? डेसिमल्स होते हैं आपके पॉइंट। आपने कभी कोई मैथ्स की स्टेटमेंट देखी होगी जिसमें पॉइंट होता है, जैसे 343.345, ठीक है, उसको बेटा डेसिमल कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म्स। आपके पास ये कुछ फ्रैक्शंस दी हुई हैं, आपने इनको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट फ्रैक्शन है बेटा 12/10, ठीक है। देखो, जितनी जीरोज आप काटोगे राइट हैंड साइड से, उतने आपने डिजिट छोड़ने। 10 काटी, एक डिजिट छोड़ दी, एक डिजिट के बाद आपका डेसिमल लग गया, क्या हो गया 1.2। सेकेंड पार्ट देखो, 75/100, 100 है 1000, 75/1000। अगर बेटा यहाँ पे 100 होता तो टू डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देते, 5 और 7 के बाद, है ना। लेकिन यह 1000 है तो हमें तीन डिजिट बनाने के लिए बेटा 7 के आगे हम अपनी तरफ से ही एक जीरो लगा लेंगे। अगर यहाँ पे 1000 की जगह बेटा 10,000 होता तो 10 और आ जाती, ठीक है। ऐसे ऐसे हमने लगाना है, तो तीन डिजिट बन गए हमारे 1, 2, 3 के बाद डेसिमल 0.075, ठीक है। सेकेंड सम है बेटा राइटिंग फिगर्स। आपने इनको फिगर्स में लिखना है 507.345। ये बेटा आपने ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद हम जो भी डिजिट्स को बोलते हैं उनको 100,000 में नहीं लेकर चलना, अलग अलग डिजिट में बोलना है। तो 507 लिख दिया पॉइंट, उसके बाद क्या है पॉइंट लगाया 345, डेट इज़ योर आंसर। जहाँ पॉइंट बोला है वहाँ पॉइंट लगाओ, जहाँ 100,000 की बात है वहाँ थाउजेंड्स में लिखो, जहाँ पे पॉइंट्स के बाद तो आपने डिजिट्स में बोलना, ठीक है। नेक्स्ट हम बेटा राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स, ठीक है। अब आप ये देखो, आपने प्लेस वैल्यू तो पहले की होगी लेकिन डेसिमल में नहीं की होगी, आज हम डेसिमल में समझेंगे। सबसे पहले 2 की प्लेस वैल्यू, 2 के बाद कितने डिजिट हैं पॉइंट से पहले के 2 के बाद के डिजिट 1 है, 2 की प्लेस वैल्यू हो गई 20। डेसिमल से पहले अब क्या है 4, 2 के बाद है 4 और डेसिमल के बीच में कोई डिजिट नहीं है तो 4 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद है 3, अब पॉइंट से अगला है तो पॉइंट के नाम का हम 1 लगाएंगे और डिजिट के नाम का 0, तो 3 की प्लेस वैल्यू आ गई 3/10। 1 कितने प्लेस पे है डेसिमल के बाद, 2, सेकेंड प्लेस पे 1/100। 7 3 प्लेस पे है तो 7/1000, उतनी जितने प्लेस पे है उतनी आपने जीरो लगानी है, डिजिट को ऊपर रखना है। अपॉन में तब लेके जाना है जब डेसिमल के बाद वाला क्वेश्चन करोगे, ठीक है। डेसिमल के बाद वाला पोर्शन हम जब करेंगे प्लेस वैल्यू में, तो आपने ऐसे करना है जो पहले वाला, जैसे आप नॉर्मल करते हो प्लेस वैल्यू का वैसे करें। नेक्स्ट है बेटा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म आपको पता है, कोई स्टेटमेंट आपको दी हुई है उसको खोल कर लिखना। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका 14.87, अब आपने 14.87 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करते हो आप? फर्स्ट डिजिट लिखा, बाकी जितने रेस्ट ऑफ डिजिट है उनकी जीरोज लगा दी, है ना, ऐसे ही करते हो ना, फिर प्लस का साइन, फिर नेक्स्ट डिजिट, फिर रेस्ट ऑफ डिजिट्स की जगह जीरो लगा दी। अब देखो, अब आपने डेसिमल का अलग लेकर चलना है, डेसिमल से पहले वाला अलग लेकर चलना है, डेसिमल के बाद वाला पोर्शन अलग लेकर चलना है। डेसिमल से पहले वाला पोर्शन है 14, पहले 1 आएगा, 14 में 1 के बाद 4 है जीरो, 1 0 प्लस 4, डेसिमल्स के पहले ही 4 के बाद कुछ नहीं है, सिंगल 4 प्लस। अब डेसिमल के बाद क्या है 8, अब कितने प्लेसेस पे है डेसिमल के बाद, 1 प्लेस पे, तो 8/10, 7 सेकेंड पे है तो 7/100।
ठीक है, बस अब आपने जीरो काट के जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपके पास राइट इन डेसिमल फॉर्म, आपके पास है 40 + 6 + 4/10 + 8/100। 40 और 6 को तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इनको तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब 10 देखो ज़ीरो कट जाएगा, 4 के आगे डेसिमल आ जाएगा। अब ये 2 ज़ीरोज़ हैं, एक ज़ीरो हम अपनी तरफ से लगाएंगे, फिर डेसिमल करेंगे 0.08। अब इनको हम ऐड कर देंगे, सबको मिला देंगे, ऐड कर दिया तो आ गया 46.48, ये आपका डेसिमल फॉर्म आ गया, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है बेटा, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है, बॉक्सेस दिए हुए हैं, आपने उनको फिल करना है। यहाँ दिया हुआ है 4 + box/10 + 8 by box। अब देखो फॉर एज इट इज़, अब डेसिमल के बाद क्या है, ज़ीरो, तो बॉक्स में ऊपर वाले में क्या आएगा, 0/10। अब देखो 8 क्या आएगा, 8 कितने प्लेसेस पे डेसिमल हुआ, 2 places पे, तो 2 ज़ीरोज़ 8/100। समझ आ गया बेटा, ओके। सेवन क्वेश्चन, राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। बेटा टर्म्स देखो 11.23, 12.23, 13.23, इसके बाद की आपने 3 टर्म्स लिखनी है। डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स देखो चेंज नहीं हो रही हैं, वो तो 0.23 ही चल रही है। डेसिमल से पहले वाली जो है डिजिट्स चेंज हो रही है, पहले 11 था, फिर 12 हुआ, फिर 13 हुआ, आगे क्या हो 14.23। डेसिमल के बाद तो सेम ही रहेगा, पहले में 1 इंक्रीज़ हो रहा है, नेक्स्ट होगा 15.23, फिर होगा 16.20। ठीक है बेटा, आपकी 7.1 यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। आपका होमवर्क है टू कंप्लीट 7.1 इन योर फेयर नोटबुक, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू एंड